आज मैं बना रही हूँ पीनट उडोन नूडल्स, जिसके लिए मैंने लिए हैं मास्टर चाओ के उडोन नूडल्स। ये फ्लैट नूडल्स हैं, तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये फ्लैट नूडल्स हैं। ये आजकल मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, आप जाके मार्केट से इसे ले सकते हैं। नहीं तो इस रेसिपी के लिए आप कोई भी नूडल्स यूज़ कर सकते हैं, जो बॉयल्ड नूडल्स मिलते हैं आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने जो वेजिटेबल ली है वो मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने कुछ ब्रोकली ली है, ये लिए हैं मैंने स्वीट कॉर्न, ये बॉयल्ड स्वीट कॉर्न है, और एक शिमला मिर्च ली है, ये जुकीनी लिया है, और दो मैंने लिए हैं कैरेट, एक प्याज मीडियम साइज़ का, और 8 से 10 कलियाँ लहसुन की। लहसुन थोड़ा सा इसमें ज़्यादा डलता है, क्योंकि लहसुन से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये मैंने रोस्टेड पीनट लिया है, ये बहुत ही ज़रूरी इंग्रेडिएंट है। आप अपनी मर्जी से कोई भी सब्ज़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कोई नई सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप पीनट नहीं छोड़िएगा, ये इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और ये बड़ा ज़रूरी इंग्रेडिएंट है। तो मैंने कुछ बेसिक सॉस ली हैं जो चाइनीज़ डिश में डलती हैं, और इसमें ईजिली सभी के घरों में ये सॉसेज मिल जाती हैं, जिसके लिए मैंने लिए हैं ये डार्क सोया सॉस, और ये लिया है मैंने विनेगर। विनेगर मेरा जामुन का विनेगर है, मैं सिंथेटिक विनेगर यूज़ नहीं करती हूँ। आपके पास जो भी विनेगर हो आप यूज़ कर लीजिएगा। ये मैंने कुछ हनी लिया है, ये रेड चिली सॉस है, और ये दो मसाले हैं सिर्फ इसमें, रेड चिली पाउडर और नमक। सबसे पहले हम काम क्या करेंगे कि अपने नूडल्स हम बॉयल करने रख देंगे, जैसे हम पास्ता या मैक्रोनी वगैरह बॉयल करते हैं, सेम उसी तरह से हमने इसको बॉयल करना है। जब तक ये बॉयल होंगे तब तक मैं अपनी वेजिटेबल को चॉप कर लूँगी। तो देखिए हमारे नूडल्स बॉयल हो गए हैं, इनको मैंने बॉयल कर लिया है, और इसमें मैंने जब इसको छान के निकाला है उसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल मैंने 1 से 2 चम्मच मिक्स कर दिया है, तो उससे हमारे नूडल्स चिपकेंगे नहीं। अब इनको हम एक साइड रखते हैं। इधर देखिए मैंने सारी सब्जियों को चॉप कर लिया है। सब्जियां आप अपनी मर्जी के मुताबिक चॉप कर सकते हैं, छोटा बड़ा जितना भी पीस रखना हो। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इन सब्जियों को हमने मैरिनेट करना है। तो मैरिनेट करने के लिए मैंने ये जो विनेगर आपको दिखाया था, ये विनेगर लिया है, ये 2 चम्मच विनेगर है। ये विनेगर में थोड़ी स्वीटनेस होती है, अगर आप सिंथेटिक विनेगर ले रहे हैं तो आप थोड़ा सा चाहे कम कर लीजिए। और इसमें डाल रही हूँ मैं 1/4 टीस्पून चीनी, और इसमें डाल देंगे 1/2 लेमन। इसके मैं बीज निकाल देती हूँ। इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, चीनी इसमें थोड़ी सी घुल जानी चाहिए। और मैंने ये जो गार्लिक और ऑनियन को चॉप किया है वो इसमें नहीं डालेंगे, बाकी सारी सब्जियों को हमने इसमें मिक्स कर देना है। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, अब सभी सब्जियों को हम इसमें डाल देंगे। देखिए सबसे पहले मैं डाल रही हूँ जुकीनी, ये है गाजर, ये शिमला मिर्च, ये मैंने जो बॉइल्ड लिया है स्वीट कॉर्न उसको भी डाल देंगे। अब इन सभी चीजों को हम मिक्स कर देंगे, और इसको मैंने आधे घंटे के लिए मैरिनेट करना है। तो इन सभी चीजों को मिक्स करके इसको कवर करके हम आधे घंटे के लिए रख देते हैं। चलिए ये सभी चीज़ें मिक्स हो गई हैं अच्छे से, अब इसको हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब सब्जियां हमारी मैरिनेट हो चुकी हैं, आधा घंटा हो चुका है मैरिनेट किए हुए। तो इधर मैंने गैस के ऊपर रख दिया है एक वॉक, और इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच हम रिफाइंड ऑयल। सबसे पहले हमने जो प्याज कट किए हुए हैं इनको सॉटे करेंगे।
प्याज को हमने पिंक कलर आने तक सोटे करना है। इसको चलाते रहेंगे सभी तरफ से, एक जैसे प्याज सोटे होने चाहिए, कहीं से भी जलने नहीं चाहिए प्याज। देखिए प्याज हमारे हल्के ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें हम लहसुन डाल देंगे, साथ में थोड़ा सा लहसुन को भी हमने पिंक कर लेना है। साथ ही इसके साथ हम इसको भी फ्राई कर लेंगे। अब आपको लगे कि हमारे प्याज और लहसुन ब्राउन हो गए हैं, तो हम जितनी सब्जियां मैंने मैरिनेट की हुई हैं उन सभी को इसमें डाल देंगे और इसमें 2 से 3 मिनट के लिए हमने सब्जियों को भी पकाना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जुकीनी और सिर्फ जुकीनी और शिमला मिर्ची हमारी बिल्कुल कच्ची है, वो बहुत जल्दी पक जाती है, तो बाकी चीज़ें तो हमारी पकी हुई हैं। गाजर भी बहुत जल्दी पक जाएगी। इनको बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, हमने हल्का सा क्रंच रहना चाहिए सब्जियों में, तभी अच्छी लगेंगी इस डिश में। तो चलिए इनको थोड़ा सा हम पकने देते हैं। तो देखिए सब्जियाँ हमारी कुक हो गई हैं। अब हमने इनको ओवर कुक नहीं करना है, तो इस टाइम पे मैं गैस को कर दूंगी बंद और पहले अपनी सॉसेस जो हमने इसमें डालनी है उनको मिक्स कर लेंगे। तो सॉस मिक्स करने के लिए मैं ले रही हूँ एक बोल, तो इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून मैंने डाला है इसमें विनेगर। 1 टेबल स्पून डालूंगी इसमें मैं सोया सॉस और 1 टेबल स्पून ही मैं डाल रही हूँ इसमें चिली सॉस थोड़ी सी मैं और डाल रही हूँ। आप 1 टेबल स्पून भर के डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी हनी। इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और जो मैंने नमक और मिर्च लिया है वो अपने स्वादानुसार डालेंगे आप, मेरे को जितना लगेगा मैं उस हिसाब से डाल दूंगी। इन सभी चीज़ों को पहले हम मिक्स कर लेंगे तो बहुत इजी रहता है उसमें मिक्स करना। तो आपको ये थोड़ा थिक लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर सकते हैं। ये मैंने 1 चम्मच पानी भी डाल लिया इसमें। अब इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा पतला हो जाएगा तो अच्छे से हमारे चाउमीन के ऊपर नूडल्स के ऊपर कोट हो जाएगा। तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें नमक। नमक और मिर्च आपने अपने स्वाद अनुसार डालना है, मैंने आपको पहले भी बोला है, मैं अपने स्वाद के अनुसार डाल रही हूँ। इसको भी मिक्स कर लेंगे और गैस को मैं कर दूंगी अब ऑन। अब इसको फिर से हम एक बार चला के इसमें हम सॉसेस डाल देते हैं। तीस सेकंड के लिए हम सॉस के साथ पहले सब्जियों को एक बार चला लेंगे, उसके बाद मैं इसमें नूडल्स मिक्स करूंगी। देखिए मेरी सब्जियाँ पकने के बाद कितनी श्रिंक भी हो गई हैं, पहले कितनी सारी लग रही थी देखने में। 30 सेकंड के लिए इसको हम जरा पकने देंगे सॉस के साथ। इसमें जो मैंने सोया सॉस डाली है 30 सेकंड के लिए, अगर हम सब्जियों के साथ इसको पकाएंगे ना तो उसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। अब इसमें मैं नूडल्स मिक्स कर दूंगी। मैं पहले इतने मिक्स कर लेती हूं। अब ये काम हमने हाई फ्लेम पर जल्दी जल्दी करना है। क्योंकि अब सभी कुछ पका हुआ है, बस हमने हाई फ्लेम पर इसको 2 मिनट के लिए मिक्स करना है।
देखिए उडोन नूडल्स हमारे बनके रेडी हैं। अब गैस को मैं बंद कर रही हूँ और जो मेरा मेन इंग्रेडिएंट है पीनट, इनको मैंने थोड़ा क्रश कर लिया है, कुछ पीस साबुत हैं, कुछ टूटे हुए हैं। अब इनको हम डालेंगे और इसको मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा जब हम इनको सर्व करेंगे ऊपर से भी ज़रूर डालेंगे। सभी को मिक्स कर लेंगे बीच में। तो चलिए अब मैं इसको सर्व करती हूँ। देखिए मैंने नूडल्स की प्लेटिंग कर ली है, मैंने इसको एक अच्छे से बोल में डाल लिया है और देखिए इसको मैंने पीनट से गार्निश भी किया है। अगर आपके पास स्प्रिंग अनियन हो आप उससे भी गार्निश कर सकते हैं और अपनी मर्जी से आप कोई भी वेजिटेबल इसमें डाल सकते हैं। ये स्वीट एंड चिली नूडल्स हैं और जो हम बाजार में नॉर्मल चाउमीन खाते हैं उससे थोड़ा हट के है क्योंकि ये फ्लैट नूडल्स हैं, तो ये बड़े और छोटों सभी को इसका टेस्ट बहुत पसंद आता है। आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा घर में और बहुत आसानी से ये घर में बन जाते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने रिलेटिव्स के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।